रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपना किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाले बैंगन। दही वाले बैंगन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए आपको बताते चलें। आधा किलो बैंगन ले लेंगे, 2 अदद बड़े प्याज लेके इस तरह चॉप कर लेंगे ज़रा बारीक। 3 पाव दही ले लेंगे, लहसुन पेस्ट ले लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक ले लेंगे भर के, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच ये पिसी हुई मिर्च है लाल, और आधा चम्मच दड़ा मिर्च है, आधी चम्मच ये हल्दी है, धनिया बारीक काट लेंगे, सब्ज़ मिर्च ले लेंगे, 1 पाव टमाटर ले लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें बैंगन हम काटते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज़रीन, एक तरफ इसकी गोल्डन हो चुकी है, ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया इसका। जो गोल्डन होते जाएंगे उन्हें हम निकालते जाएंगे एक प्लेट में और दूसरे डाल देंगे। इनको भी फ्राई कर लेंगे जो बाकी के हैं। बैंगन को देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, अब इसे निकाल लेंगे। जिस तेल में हमने बैंगन फ्राई किए हैं उसी में अब हम ये प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे इसे। प्याज हमारा सुनहरा हो चुका है, अब इसमें लहसुन डालेंगे। फ्राई करेंगे इसे भी, सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। टमाटर पेस्ट डालेंगे। टमाटर का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। मसाला देखें नाजरीन हमारा भून के तैयार है, देखें इसने घी छोड़ दिया है। डिश हमने ले ली है, इसमें बैंगन को रखेंगे इधर नीचे सबसे पहले। एक तह लगाएंगे बैंगनों की, अब मसाले की एक तह लगाएंगे। अब दही की एक तह लगाएंगे इसके ऊपर। फिर से बैंगन की एक तह लगाएंगे ऊपर इसके। अब मसाले की तह लगाएंगे। अब दही की एक तह लगाएंगे ऊपर। और अब आखिरी तह एक मसाले की लगाएंगे।
धनिए से इसकी सजावट करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।